हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैटफोर्ड ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी शियर वॉल की और आज हम बात करेंगे सॉलिड मॉडलिंग एनालिसिस की। सॉलिड मॉडलिंग मतलब कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड बॉडी, ठीक है, तो उसको एनालाइज की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, स्पेस सॉलिड मॉडलिंग एंड एनालिसिस। सॉलिड की केवल हम मॉडलिंग कर सकते हैं और एनालिसिस करते हैं, उसे डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिजाइन करेंगे तो सॉलिड मटेरियल नहीं होगा वो, ठीक है, वो एक कंपोजिट मटेरियल बन जाएगा। डिजाइन का मतलब है कि उसके अंदर रिइंफोर्समेंट क्या डालें हम, ठीक है। तो हम सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी मॉडलिंग और केवल एनालिसिस की। तो सॉलिड मॉडलिंग करने के लिए हमें, जैसे प्लेट बनाने के लिए हमें 8 नोट्स चाहिए, सॉलिड बनाने के लिए हमें, सॉरी, प्लेट बनाने के लिए हमें चाहिए 4 नोट्स। तो सॉलिड बनाने के लिए हमें चाहिए कितने नोट्स? 8। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, बीम के लिए चाहिए 2 नोट्स, कॉलम बनाने के लिए भी 2 नोट्स चाहिए, प्लेट बनाने के लिए 3.2, 3 प्लेट की नोट की बन जाएगी और 4 की भी, सॉरी, और सॉलिड बनाने के लिए हमें चाहिए कम से कम 8 नोट्स। तो 8 नोट्स बनाते हैं पहले। एक नोट ये बन गया, एक ये बन गया, और 3D है तो हम क्या करते हैं, इसी को Z में ट्रांसलेट करते हैं और फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं Y में। तो ये देखिए, एक 3D बन गया जिसमें 4 नोट्स हैं, 8 नोट्स हैं। अब इसके को यूज़ करके हम इसको फ्रेम मान लेते हैं, इसके ऊपर हम बनाएंगे सॉलिड। तो सॉलिड का आइकन ये है, देखिए इस पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद मैंने ऊपर के यहाँ से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज और मैंने ये नोड बनाया, ये नोड बनाया, ये 4 बनाने के बाद मैं जो 5वें नोड पे जाऊँगा, जो पहला बनाया था उसी के नीचे वाला, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको देखते हैं जरा 3D में। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने इस जॉइंट पर क्लिक किया, फिर मैं गया इस जॉइंट पे, फिर मैं गया इस जॉइंट पे, फिर मैं गया इस जॉइंट पे, उसके बाद मैं गया इस जॉइंट पे, वही पैटर्न इस जॉइंट पे, फिर गया मैं इस जॉइंट पे, फिर गया मैं इस जॉइंट पे, ठीक है, इस तरह से ख़त्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम लगा देते हैं सपोर्ट, पहले एक फिक्स सपोर्ट बना लेते हैं। अच्छा, बीम कॉलम को डिलीट कर देते हैं, है ना, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे। सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या हो, तो बनाने के लिए हमने रेफरेंस में लिए थे, ठीक है। अब इस पे लगाते हैं हम लोड, एड डेड, ठीक है, डेड लोड बना दिया। देखिए, इसको हमने कोई प्रॉपर्टी तो देनी नहीं है कि क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्योंकि हमने ड्रॉई है इस तरह से क्या है विद प्रॉपर्टीज। तो जब प्रॉपर्टीज़ हम असाइन करते हैं किसी भी मटेरियल, किसी भी चीज़ को, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं पहले हम, फिर जाके क्लिक करते हैं हम डिफाइन पे, ठीक है। अब डिफाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन मांगता है, मान ले सर्कुलर मैंने लिया है, डायमेंशन डालता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पहले से मटेरियल होता है कंक्रीट, और फिर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। बट इसमें तो हम प्रॉपर्टी दे ही नहीं रहे, तो उसको मटेरियल भी नहीं मिला है, तो इसको अलग से मटेरियल देना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ही मटेरियल इसको देना होगा,
तो मटेरियल पर क्लिक किया, मैंने दे दिया कंक्रीट असाइन टू व्यू। मान लीजिए कोई एक सॉलिड जो रॉक का है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं नया मटेरियल। यहाँ पे डाला मैंने रॉक, और गूगल से कहीं से भी रॉक की प्रॉपर्टी लेके यहाँ फिल कर देंगे आप, उसके बाद ऐड कर देंगे तो यहाँ पे रॉक आ जाएगा और वो उसको उसमें अप्लाई करेंगे तो रॉक की तरह बिहेव करेगा। अभी हमने इसको कंक्रीट दे दिया। अब लोड एंड डेफिनेशन में जाते हैं। हमने डेड लोड बनाया हुआ है, सबसे पहले लगाते हैं हम सेल्फ वेट, ठीक है। सेल्फ वेट को असाइन कर देते हैं, असाइन कर दिया। अब हम इसके ऊपर कोई और लोड लगाते हैं, ठीक है। इस पर हमने क्लिक करके ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक सॉलिड, सॉलिड लोड, हम ये वाले लोड लगाएंगे। इस पर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे ये पूछ रहा है बहुत सारी चीज़ें। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि कौन से फेस पे लगाना है फोर्स, तो टॉप पे लगाते हैं, ठीक है। और हम जॉइंट टॉप पे चार हैं, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। मैंने लगाया -2 सब पे -2 लगा देता हूँ। माइनस में से डाउनवर्ड और जी वाई डायरेक्शन, ठीक है। ऐड किया और ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने क्या सेलेक्ट किया था, टॉप फेस। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था टॉप फेस, लेकिन ये लगा कहाँ पे है, यहाँ पे सेलेक्ट टॉप फेस किया था और लग गया यहाँ पे। इसका मतलब ये इसकी टॉप फेस है ना। यानी कि आप समझ रहे हैं हम किस तरह से इसको मॉडलिंग करेंगे इसकी, कि जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया बनाना, तब ये आपका टॉप होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसकी मॉडलिंग, ठीक है। तो टॉप पे हमने लोड लगा दिया, तो ये कौन सा होगा टॉप, ये बॉटम होगा, ठीक है, और ये राइट फेस होगा आई थिंक। तो राइट पे देखते हैं, ये राइट पे पहुंचता है क्या। एक लोड चेंज करना पड़ेगा, तो राइट ये है तो लेफ्ट ये है, तो टॉप राइट लेफ्ट, ये बॉटम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ये फ्रंट होगा आई थिंक। फ्रंट पे देखते हैं, फ्रंट पे लगाया हमने और यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं तभी चेंज करता है, ये फ्रंट है, ठीक है। तो जब सबसे ऊपर बनाएंगे वो फ्रंट रहेगा, हमें इस तरीके से याद रखना है। आप एनालाइज कर देते हैं इसे, एनालाइज होने के बाद जाएंगे हम पोस्ट प्रोसेसिंग में, उसके बाद सॉलिड में। और यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक करते के साथ, जैसे आप सॉलिड पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो खुल जाती है। ये स्लैब शियर वॉल प्लेट सब में ये विंडो खुलती है, जब उसका यहाँ पे स्लैब के लिए स्लैब लिखा होगा, प्लेट के लिए प्लेट और शियर वॉल शियर वॉल। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ नन पे कोई भी स्ट्रेस क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिए जहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है वो रेड कलर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रेस डायग्राम, ये इंक्रीज हो रही है ऐसे स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्स लगा तो यहीं पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो क्योंकि धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। तो ये है आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे बीवा टूल की स्टैट प्रो में, जो ब्रिज बनाने के काम आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे नोटिफिकेशन हमको मिलते रहें, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि कब मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। थैंक यू।